तो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, हमारे शोरूम में आ चुके हैं 2021 की लेटेस्ट BMW X5। दोस्तों, ये जो कार है वो फुल्ली फीचर्स है, मतलब इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स दिए हुए हैं। और इसके आप चाबी देख सकते हैं, चाबी में जो फीचर्स दिए हुए वो कार के अंदर भी फीचर्स है। तो आप अभी एक बार इसको देख लीजिए, फिर आपको हम कार के अंदर से बैठ के इसके सारे फीचर्स एक्सप्लेन करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए हुए वैसे बेसिकली। हाँ, पहले इसको हम ऑन कर देते हैं, फिर आपको लास्ट में बताएंगे कार में बैठे बैठे। तो आप देख सकते हैं इसके जो फीचर्स है बहुत काफ़ी अच्छे हैं। इसका जो आगे से लुक है वो बहुत काफ़ी अच्छा लुक है। दोस्तों, ये जो 2021 की BMW X5 की सबसे लेटेस्ट मॉडल है जो हमारे शोरूम में अभी आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको इसके हेडलाइट्स के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके हेडलाइट, मतलब इसमें 4 LED लाइट्स लगी हुई है, 2 लेफ्ट साइड में, 2 राइट साइड में। आप देख सकते हैं बाजू में एक छोटा सा लाइट है, वो लेज़र के काम करते हैं। BMW इसके ऊपर लेज़र लिखा हुआ भी है, तो वो पार्किंग लाइट के जैसे कुछ काम करते हैं, साइड इंडिकेटर से वो। तो आप देख सकते हैं इसका वॉक अराउंड, तो हम आपको इसका वॉक अराउंड भी देंगे, साथ साथ इसके इंटीरियर सस्पेंड करके इसका रिव्यू भी देंगे। तो उसमें जो बेसिकली पेंट लगा है वो वाइट मेटालिक कलर का इसमें पेंट लगा हुआ है। बहुत खूबसूरत दिख रही है गाड़ी वाइट कलर में। तो चलिए, उसके पीछे से आपको इसका वॉक अराउंड दिखाते हैं, पीछे के जो बैक स्पेस और इसके जो पीछे उसके फीचर्स है वो भी बताएंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं नीचे का जो बैक नीचे का जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छा है। जो स्पीड ब्रेकर होते हैं नॉर्मली इंडिया में, जो बहुत बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर होते हैं, तो उसमें कार टच नहीं होगी। तो पहले आपकी डिक्की ओपन कर लिए, तो चलिए हमको अंदर से आपको इसका स्पेस बता दो। तो इसमें जो होता है वो ऊपर से भी डिक्की ओपन है, नीचे से भी। तो पहले इसको भी बंद कर लेते हैं, तो बैग रखने में काफ़ी आसानी होती है। तो आप देख सकते हैं इसको भी हमने ओपन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसका जो बैक स्पेस है वो बहुत काफ़ी अच्छा है। इसमें कम से कम 4 से 5 बैग या उससे भी ज़्यादा आ सकते हैं, ट्रैवलिंग बैग बड़े बड़े 4 से 5 तो नॉर्मली आ ही जाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें ये एक SUV जो उसमें बैक स्पेस होते हैं वो ज़्यादा ही होता है नॉर्मली सब SUV में। तो यहाँ पर एक बटन है, उससे जो ऊपर का जो दिख रहा है ना आपको, वो ऑटोमेटिकली अंदर चला जाएगा, मतलब वो फोल्ड हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये फोल्ड हो रहा है, अंदर चले जा रहा है, क्योंकि उधर भी हम कुछ रख सकते हैं वो जाने के बाद। तो उधर काफ़ी बैग हो जाएगा, बैग आ जाएंगे, स्पेस हो जाएगा, इसके लिए वो नॉर्मली ऐसा सिस्टम दिया हुआ है। वापिस ओपन कर देते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पर इसका बटन दिया हुआ है। तो फिर हम इसको भी बंद कर देते हैं अभी, और डिक्की बंद करने के लिए भी ऊपर बटन दिया हुआ है, वो दबाने से डिक्की बंद हो जाएगी। आप देख सकते हो इसकी जो हेडलाइट्स है वो ब्लिंक हो गई अभी। यस, दिस ब्लिंकिंग हेडलाइट्स इज फुल्ली अमेजिंग गाइस। और इसमें जो एग्जॉस्ट लगा हुआ है 4 सिलेंड्रिकल एग्जॉस्ट है, 2 लेफ्ट साइड में, 2 राइट साइड में। फुल्ली फीचर्स कार, एन अमेजिंग कार। और इसमें जो व्हील्स लगे हुए 22 इंचेस के व्हील्स है, और इसमें अलॉय हमने लगाया वाइट कलर का। आप देख सकते हैं अलॉय के बीच में BMW का छोटा सा लोगो लगा हुआ है। बहुत मस्त कार है दोस्तों, फुली फीचर्स। तो हम आपको अंदर अभी इसके बाहर से इंटीरियर्स बताएंगे, फिर बाद में अंदर जाके एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, देख सकते हैं हमने यहाँ पर खोलने की कोशिश की तो वो लॉक हो गया, क्योंकि हमने कार ओपन नहीं की थी। तो देख सकते हैं वापस खोलने जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो जो साइड मिरर है वो ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसके जो इंटीरियर में जो कलर लगा हुआ है ऑरेंज और वाइट के कॉम्बिनेशन में आया है, मतलब वाइट बाहर का कलर है और ऑरेंज अंदर का, मतलब आपको जो कलर चाहिए इंटीरियर में आप वो ले सकते हैं, उसमें ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है BMW X5 M, ऑरेंज और वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप एक गाड़ी ले रहे हैं तो ऑरेंज और वाइट के कॉम्बिनेशन में लीजिए, और इसमें सनप्रूफ भी है, XY सीट के ऊपर भी लिखा हुआ है, बहुत मस्त सीट है। मतलब जो गेमिंग की जो आजकल के गेमिंग चैनल्स में वैसे सीट होती है ना, वैसे सीट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पैसेंजर के लिए बैठने की जो ये होती है वो उसके लिए दिया हुआ है नीचे बटन, को बंद कर देते हैं। पीछे से भी आपको एक बार बता देते हैं, वापस कहना चाहूँगा अगर आपको ये कार लेनी है तो ऑरेंज और वाइट के कॉम्बिनेशन में लीजिए, ऑरेंज इंटीरियर्स बहुत मस्त दिखते हैं वाइट पे, और एक कलर सूट बेहतर। पीछे पैसेंजर्स लुक के लिए AC लगी हुई है, मतलब आगे के जो
एसी होती है वो पीछे से हवा नहीं देती, तो उसके लिए पीछे एक एसी भी लगी हुई होती है। और दरवाजा जब हम बंद कर देते तो थोड़ा सा कभी रह जाता है तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। बाकी मतलब जो लग्जरियस कार नहीं, जो कॉस्टली नहीं होती, जो सादी कार होती है 10 लाख के बीच में, उसको हमको ज़ोर से बंद करना पड़ता है। ये BMW में जो ये X5 है, अब थोड़ा सा भी रुक जाएगा ना तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो आप एक वॉक अराउंड देख लीजिए इसको। तो चलिए हम आपको अंदर जाके अभी इसके इंटीरियर एक्सप्लेन करेंगे अंदर से पूरा। आप देख सकते हैं बहुत अमेजिंग लुक आ रहा है, कब से मस्त लुक आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर ऊपर भी दिया हुआ है होम थिएटर मतलब माइक और स्पीकर सॉरी, और नीचे भी स्पीकर दिया हुआ है दोनों तरफ। आप देख सकते हैं ड्राइवर के बाजू वाले, इसके लिए इसमें मतलब कांच का वो ऊपर नीचे कांच बंद चालू करने का, और जो सिल्क लेदर है वो बहुत काफ़ी अच्छा लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं इसके इंटीरियर बहुत मस्त लुक आ रहा है दोस्तों बाहर से। चलिए हम अभी अंदर आ चुके हैं तो सबसे पहले बंद कर देते हैं, कांच को भी चढ़ा देते हैं, दो गाड़ी को कर देते हैं ऑन। हो गई कार ऑन। तो हम पहले आपको इसका एग्जॉस्ट सुना देते हैं। एग्जॉस्ट की आवाज़ सुन लेंगे, इसमें काफ़ी अच्छा एग्जॉस्ट लगा हुआ है दोस्तों। तो चलिए वापस आ गए हम अंदर, और अंदर की तरफ अभी आपको इसके इंटीरियर एक्सप्लेन करेंगे। तो आप देख सकते हैं नेविगेशन जिसका जो ऑन हो गया, पहले कांच बंद कर देते हैं, इसके लाइट ऑन कर देते हैं, अच्छे से दिखेगा। और यहाँ पर सब फीचर्स दिए हुए मतलब कांच ऑपरेट करने को, आप देख सकते हैं ये मीटर स्पीडोमीटर, उधर भी छोटा सा स्पेस है कुछ रखने को। आप देख सकते हैं स्पीडोमीटर 300 इज द मैक्सिमम स्पीड, 330 सॉरी। और देख सकते हैं आप पर पूरे फीचर्स ये हुए, मतलब आपको जो स्क्रीन पे जो होता है वो हाथ से भी कर सकते हो, और ड्राइविंग के बाजू में अगर आप अकेले ड्राइव कर रहे हैं तो स्टेयरिंग पे से फीचर जो बटन है उससे भी आप कंट्रोल कर सकते हो। आप देख सकते हैं हमने इसका नेविगेशन ऑन कर लिया, तो हमने आपको फ्रंट बैक कैमरा अभी ऑन कर लिया। आप देख सकते हैं हमारी कार के मतलब आपको जिस तरफ से कैमरा देखना है, मतलब आपको लेफ्ट साइड से अपनी कार को देखनी, राइट साइड से तो भी देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हमने राइट से, और इसमें जो एक नया फीचर है दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके जो हाथ के जो सेंसर होता है, मतलब आप जो हाथ मूव करेंगे तब वो मूव होगा। अभी क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा हाँ देखिए, मतलब उस पर ऑप्शन भी आ रहा है। हाँ देखिए हो गया, मतलब उस पर ऑप्शन भी आ रहा है कि ऐसे करिए तो आपको भी ये होएगा, मूव होएगा। वो आपको ना परफेक्ट वो हाथ ही ना वो सेंसर के इधर रखना पड़ जाए तो ही वो होएगा। देखिए मतलब जिधर वो बता रहा ऑप्शन उधर भी आपको रखना होता है। अभी ये ऊपर से व्यू हो गया इसका, ये फुल कैमरा हमारे कैमरा सेटिंग्स था अंदर। सेटअप द स्पोर्ट्स मोड, इससे आप इसे मोड सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मतलब इधर की जो मीटर के जो डिस्प्ले होता है वो भी चेंज कर सकते हैं। हमने स्पोर्ट्स मोड पे भी डाल दिया कार को, इसको ओपन कर लेते हैं। हाँ इधर से ओपन होता है, यस इसको ओपन कर लिया। तो आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। ओके तो पहले इसकी चाबी रख देते इधर, यहाँ पर आपको की रखनी है, चाबी यहाँ पर रखनी है।
अब वो लग गए, खुला कैसे? वो सेंसर से खुलता चाबी के, हम देख सकते हैं मिरर। हम सेटिंग्स में जाते थोड़ा, हाँ सेटिंग्स में हम खोल दिया। और हम आपकी जो इसकी जो लाइट्स दिख रही है आपको लाइट्स, वो हम इसको चेंज करेंगे कलर। दोस्तों तो ये जो BMW में होते, मतलब BMW में जो लाइट्स लगे होते हैं उसके गाड़ी से सभी BMW में लगी होती है। अभी लेटेस्ट जो आ रही है 1-2 साल से, उसमें सब BMW में लगी हुई होती है, कौन सा भी मॉडल है दो। और ये व्यूज़ है, मतलब ये जो लाइट्स की व्यूज़ है बहुत अमेजिंग होती है, आप देख सकते हैं। हमने ऑटो पार्क इस पर सिलेक्ट कर दिया। बैकअप रेसिस्टेंस आपको बताया गया, मतलब जितना आप अभी इधर से लेके, जितना आप गाड़ी आगे लेके जाओगे वापस वो गाड़ी बैक होके उधर ही आ जाएगी। चलिए देख लेते एक बार, आपको बता देते थे। तो हमने सिलेक्ट कर लिया और बैकअप रेसिस्टेंस हमने ऑन कर लिया। देखिए बैकअप रेसिस्टेंस असिस्टेंस सॉरी, आप देख सकते हैं, मतलब जितनी आप गाड़ी उधर से लेके आगे लेके आएंगे वो परफेक्ट वो गाड़ी वहाँ जा कर रुकेगी वापस। इसको बैकअप असिस्टेंस बोलते हैं, असिस्टेंट सॉरी फॉर द मिस्टेक। देखिए परफेक्ट वहाँ ला के उसने वापस पार्क कर दी। इसमें ऑटो ऑटो पार्क सिस्टम भी है, आपको पार्किंग लोकेशन सेलेक्ट करनी है, उसके बाद गाड़ी को ऑटो पार्क पर डाल देना है। तो देखिए जैसे हमने दरवाजा खोल दिया तो ऑटोमेटिक सब डिस्प्ले ऑफ हो गया। चलिए हम अभी बाहर आ गए, आपको इसका इंजन बताएंगे। और इसमें जो होता है 4.4 लीटर्स का ट्विन टर्बो चार्ज इंजन लगा हुआ है, आप देख सकते हो इधर से वो फ्रेमिंग X5 देख सकते हैं इसका इंजन। BMW M Power M इसके M सीरीज M कार्बन इंजन कवर, मतलब इसको बंद कर देते हैं। BMW का लोगो आप देख सकते हैं, बहुत शानदार लुक है इस गाड़ी का। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बाजू में देखिए बेल आइकन पे क्लिक कर